गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सरसाइज थर्ड फ्रॉम न्यू स्टाइल इन जनरल इंग्लिश। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड कमेंट इट ऑल्सो। तो नॉट टू डिले वी स्टार्ट फ्रेंड्स। फर्स्ट सेंटेंस इज द गर्ल सैड फादर आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो सेंटेंस में को फ्रेंड्स किस तरह से हम बनाएंगे, द गर्ल सैड और यहाँ पर ये सेपरेट कर दिया है फादर। तो गर्ल जो है फादर को कह रही है, किसको कह रही है, फादर को। तो यहाँ पर हो जाएगा द गर्ल टोल्ड फादर दैट आई को किसे गर्ल से चेंज करेंगे, शी डू का क्या हो जाएगा, डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस का दैट चैप्टर। तो फाइनली क्या बनेगा सेंटेंस, द गर्ल टोल्ड फादर that she did not understand that chapter. Next, जो second sentence होगा friends वो क्या है, my mother often says to me if you do not work hard you will fail. तो friends इस sentence में देखने वाली बात यह है कि often लगा हुआ है, often says to me, तो इसी के आधार पर इसको change करेंगे। My mother often tells me that if I do not work hard, यहाँ पर do not को हम change नहीं करेंगे क्योंकि एक general बात कही है कि अगर आप काम नहीं करते हो तो क्या होगा, fail हो जाओगे। तो if I do not work hard I would fail, इसको would भी कर सकते हैं, will भी रहने दे सकते हैं, means we can change this sentence और नॉट। यहाँ पर विल को हम चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। थर्ड सेंटेंस को लेते हैं फ्रेंड्स, द टीचर सेड टू अस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, द टीचर टोल्ड अस दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें भी आगे चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है या फिर एक ट्रू सेंटेंस है। तो उसके बाद फोर्थ सेंटेंस पे आते हैं फ्रेंड्स, ही सेज द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस लास्ट नाइट। ही सेज को एज इट इज रखेंगे, दैट यहाँ पर दैट कर देंगे, दैट द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस लास्ट नाइट। सिंस लास्ट की जगह पे हम कर सकते हैं प्रीवियस नाइट, अदरवाइज हैज़ बीन क्राइंग एज इट इज रहेगा। क्यों रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर सेज है, प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद फ्रेंड्स फिफ्थ सेंटेंस पे आते हैं, द स्टूडेंट सेड यस आई हैव ब्रोकन द चेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट ने स्वीकार कर लिया है कि मैंने कुर्सी को तोड़ा है। तो उसी हिसाब से हम इसको फ्रेंड्स चेंज करेंगे, यहाँ पर द स्टूडेंट एक्सेप्टेड दैट, यहाँ पर दैट कर देंगे, दैट आई का ही हो जाएगा, ही हैड ब्रोकन द चेयर। तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सेप्टेड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर यस लगा हुआ है, यस का मतलब है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसी ने ये गलती की है। इसी तरह के सेंटेंस में यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे इसको फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही सेड टू मी आई हैव परचेज्ड दिस बुक टुडे, ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट He had purchased that book today को कर देंगे that day। तो उसके बाद फ्रेंड्स आता है she said to her friend last night you will meet me tomorrow in the library। तो इसको said to को told me चेंज करेंगे, her friend last night को as it is रखेंगे यहाँ पर क्योंकि ये inverted comma के अंदर नहीं है, या फिर ये कहते हैं कि statement नहीं है, यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो शी टोल्ड हर फ्रेंड लास्ट नाइट दैट, अब इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट करेंगे फ्रेंड्स, दैट फ्रेंड यहाँ पर अकेला है या अकेली है, तो इसके लिए यहाँ पर शी का यूज़ करेंगे, शी वुड मीट हर टमोरो का द नेक्स्ट डे इन द लाइब्रेरी। तो फ्रेंड्स उसके बाद आता है नाइन्थ सेंटेंस में क्या करेंगे, आई वॉन्ट यू टू स्टे हेयर,
I want you to stay here till the letter is dispatched, the manager said to his assistant. तो ये मैनेजर वाले पार्ट को हम शुरू में ले आएंगे फ्रेंड्स. द मैनेजर टोल्ड हिज असिस्टेंट दैट ही आई को ही चेंज ही में चेंज करेंगे ही वॉन्टेड हिम टू स्टे देयर टिल द लेटर वॉज डिस्पैच्ड. पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे फ्रेंड्स. उसके बाद आता है फ्रेंड्स यू सेड टू मी यू टोल्ड मी दैट यू टोल्ड मी दैट आई को चेंज करेंगे यू से यू वुड सेंड मी द मनी विद इन दैट वीक. जिसको दैट में चेंज कर देंगे. अब यहाँ पर यू को इस मे से चेंज किया है फ्रेंड्स मी से, तो इसलिए यहाँ पर मी हो जाएगा. उसके बाद आता है फ्रेंड्स ही सैड आई कैन रिपेयर द स्कूटर बाय माई सेल्फ. इसको चेंज करेंगे ही सैड दैट ही कुड रिपेयर द स्कूटर बाय माई सेल्फ को हिम सेल्फ. उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं एक सेंटेंस द हेयर मास्टर टोल्ड द टीचर्स दैट. यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास कीजिए. दैट द इंस्पेक्टर माइट विजिट द स्कूल द नेक्स्ट डे. तो इस तरह से फ्रेंड्स इन सेंटेंसेस को चेंज करेंगे. और इसके बाद जस्ट बाद में आपको एक शीट दे रहा हूँ, वो शीट भी आप भी इसे मिलान कर लेंगे, सारे सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे. और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच. दिस इज द शीट प्रोवाइडेड बाय मी फ्रेंड्स. लेट्स सी दिस शीट. दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस My mother often told me if I do not work hard I would fail. The teacher told us, reminded us that honesty is the best policy. He says that the child has been crying since last night.